प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी में क्रियाकलाप 1.8 देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रियाकलाप 1.8। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें कि क्या लिख रहा है। इसमें चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। चाइना डिश कुछ इस तरह का एक उपकरण है, हम लोग कह सकते हैं कटोरी की तरह की संरचना होती है, ठीक है, इसे हम लोग चाइना डिश कहेंगे। अब इसमें कह रहा है कि 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लेना है। तो यहां पे 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हम लोग वेट करके और इसी चाइना डिश के अंदर हम लोग ले लेते हैं। पुनः कह रहा है कि अब देखिए इसका रंग क्या है। तो प्यारे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद यानी कि श्वेत रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक है, जो हम लोग लेते हैं। पुनः हम इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए और पुनः इस उपकरण को जिसमें 2 ग्राम हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया है, इसको हम क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में इसको रख देंगे, ठीक है, जैसा कि चित्र 1.7 में दिखाया गया है। अब थोड़ी देर पश्चात यानी कि थोड़ी देर बाद उसका हम लोग अवलोकन करेंगे। तो सिल्वर क्लोराइड यानी कि जो श्वेत रंग की सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है चाइना डिश में, उसका रंग को देखिए, अर्थात जैसे ही इस सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड सूर्य की उपस्थिति में, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ऐसे वह सिल्वर क्लोराइड के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसे ही उसको सूर्य के प्रकाश में हम रखते हैं तो उसके रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। मतलब हम इसको आगे देखते हैं क्या लिख रहा है। ये प्रक्रिया आसान है, हम लोग इसको प्रायः कर भी सकते हैं यदि उपकरण हमारे पास हो। तो आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग यानी कि जो आपने सफेद रंग का चुन लिया है सिल्वर क्लोराइड, वो का रंग धूसर रंग का यानी सफेद रंग से एक दूसरे कलर का, जिसे हम लोग यहां पे क्या देख रहे हैं, धूसर रंग का हो जाता है, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है। अब यहां पे आगे लिख रखा है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। तो प्यारे बच्चों, यहां हम लोग साफ तौर पे देख रहे हैं कि हमने सिल्वर क्लोराइड को जो कि सफेद रंग का चूर्ण है, इसको एक चीनी मिट्टी का पात्र कह सकते हैं या चाइना डिश हम लोग कह सकते हैं, में लेकर के सूर्य की उपस्थिति में, यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि वह ऐसे अपने रंग में परिवर्तन नहीं करता है, जैसे ही सूर्य के प्रकाश में उसको रखा जाता है उसका रंग क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और यह कैसे परिवर्तित होता है, तो इस प्रकाश की उपस्थिति में यह AgCl क्या हो जाती है, AgCl Ag और Cl यानी कि क्लोरीन में वियोजित हो जाती है, मतलब टूट जाती है, ठीक है। यहां पे देखिए चित्र 1.7 के नीचे क्या लिख रहा है कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाती है, मतलब जैसे ही सूर्य के प्रकाश में उसको रखा जाता है
सिल्वर क्लोराइड में वियोजन प्रारंभ हो जाता है और वह वियोजित होकर के सिल्वर यानी कि एजी और क्लोरीन में टूट जाती है। और यहाँ पे हम लोग इस रिएक्शन को देख सकते हैं, रिएक्शन 1.22 में यह दिखाया गया है। 2AgCl जो कि सॉलिड रूप में है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे हम लोग साफ देख रहे हैं यहाँ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको कर रहा है, क्या बना रहा है, 2As जो कि सॉलिड स्टेट में आ रहा है और Cl2 जो कि गैस स्टेट में आ रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि किसके कारण ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे यह AgCl का इसकी उपस्थिति में Ag और Cl में टूटना, ठीक है, और टूट करके उसके रंग में यानी परिवर्तन कर देना, किसके रंग में, सिल्वर क्लोराइड जब टूटता है, ठीक है, तो Ag यानी कि सिल्वर धातु बनता है और यही सिल्वर धातु, ठीक है, का कलर हम लोग देख सकते हैं दूसरा रंग का हो जाता है, ठीक है। अब इसी को सिल्वर ब्रोमाइड भी ठीक यही प्रक्रिया के द्वारा वह भी गुजरती है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। AgBr जो कि सॉलिड में है, ये भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Br2 में क्या होता है, टूट जाता है, मतलब वियोजित हो जाता है। तो किसी की उपस्थिति में यानी कि सूर्य के प्रकाश में ये अभिक्रिया हो रही है वियोजन की। अतः यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, श्याम श्वेत जो ब्लैक एंड व्हाइट पहले जो फोटो बनती थी, ठीक है ना, उसमें इसका इस्तेमाल यानी कि सिल्वर का, ठीक है, किया जाता है, यानी किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। अब यहाँ पे किया जाता है, यह क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफिक में किसका प्रयोग होता है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड का। अब यहाँ पे नीचे लिख रखा है कि किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन की अभिक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे जो ऊर्जा का कारण है वो सीधा सीधा क्या है, सूर्य का प्रकाश, सन लाइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे सन लाइट यानी सूर्य का प्रकाश वियोजन की अभिक्रिया के लिए जिम्मेवार है। अब हम आगे देखें, हमने देखा कि वियोजन की अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए क्या, या तो ऊष्मा या तो प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये हम लोगों ने सीखा है कि जब भी वियोजन की अभिक्रिया होगी या तो उसमें हमें ऊष्मा लगानी पड़ेगी बाहर से, या उसमें प्रकाश देना पड़ेगा, या विद्युत की आवश्यकता होगी। हम लोगों ने अभी जितने भी क्रियाकलाप किए हैं उसमें देखा है, एक में हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी दे रहे थे, यहाँ पे हमने सूर्य का प्रकाश दिया, और एक में हम लोग ऊष्मा दे रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, मतलब जिस भी क्रिया को संपादित कराने के लिए ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है, बाहर से प्राप्त नहीं होती है, देनी पड़ रही है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊर्जा ऊष्मा शोषी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने आज क्रियाकलाप 1.8 को समझने का प्रयास किया। अगले लेक्चर में हम इसके अगले पार्ट्स को सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।